अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। तो देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा शरबत जो बनाने में बहुत ही आसान है और पीने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम उसको बनाना। तो ये ले लिया है हमने पुदीना, बिल्कुल एकदम साफ पुदीना है हमारा, एकदम फ्रेश। तो हमने ये कम से कम 1.5 कप के बराबर पुदीना ले लिया है। और ये ले लिया है हमने चीनी, कम से कम ये हमारी चीनी 100 ग्राम होगी। और ये देखिए, 1 चम्मच ले लिया है हमने भुना और कूटा जीरा। और ये 1 चम्मच ले लिया है हमने काला नमक। तो ये जो आज हम शरबत बना रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी हमारा शरबत बनने वाला है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 नींबू का रस। तो ये मैंने नींबू इसी के साथ इनका रस निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी छान लेती हूँ। इसमें पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँ और उसके बाद मैं इसको छानूंगी, ताकि छानने में बहुत आसान हो जाए। तो ये देखिए, आप किसी भी छन्नी से इसको छान सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो शरबत है ये बहुत ही अच्छी तरह से छन गया है, बहुत ही आसानी से छन गया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये शरबत बिल्कुल तैयार हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ इसमें डलेंगी और बहुत ही बढ़िया शरबत हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए, रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान में तो आप सभी बहुत सारे शरबत बनाते हैं। तो आप प्लीज़ पुदीने का शरबत भी ज़रूर बनाइएगा।